alto, ahora tiene grande, ¿cuál es el tipo de idea? ¿Qué cosa costó? वैसे भी जब किसी की ड्यूटी खिदमत की लगाई जाती है तो उसको मैनिफेस्टो भी दिए जाते हैं बेशक। और मैनिफेस्टो की भी दो अकसाम, एक प्रायर मैनिफेस्टो और एक होता है इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टो। बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। एक पहले से दिन ये ने और ये आपने काम और वो जिसकी ड्यूटी लगती है अगर अपना काम उसके मुताबिक ये नहीं ये भी हो गया ये शीट भी फुलफिल हो गई ये प्रोविजन भी फुलफिल हो गई ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया ये हो गया बेशक। इंस्टेंटेनियस मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि साथ साथ बताया जाए क्रोनियत के दावे नहीं कर रहा हूँ माफ करना मैं तो गुलाम हूँ ना क्रोनियत वाले मैं खुद से क्रोनियत वाले का कभी भी दावेदार नहीं रहा मैं तुमका गुलाम मोर हूं ये दावा है उनकी औलाद हूं वो ये दावा तो बाजू का कोई ऐसा ख्याल नूरी ख्याल हकीकी ख्याल सूरज की तरह से हकीकी रोशन मुनव्वर ख्याल अता होता कि हमारे ऊपर तवक्कुल करके ये कह दो कुरान अजीम शान ने तीन असबाब ऐसे हैं कि जिन्हें हर मुसलमान में शुरू करना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह व नास नूर ही नूर है अता ही अता है बुरहान की बुरहान लेकिन बास चीजें आधे हक को बतौर करामत अता कर दी बेशक और वो उस खास सेक्शन की चीजें होती हैं जिस सेक्शन से वो बिलोंग करते हैं सही अगर इस मज़मून को मैं एक्सटेंड करूं तो बड़ा लंबा टॉपिक बनता है लेकिन मुख्तसर ये कि इंसानी मसाइल की दो किस्में सही इंसानी प्रॉब्लम्स को अगर आप एनालाइज करें उसकी दो बड़ी किस्में प्रॉब्लम वन ये कि खुदा से दूर है क्यों है इस प्रॉब्लम इबादत नहीं करता इस प्रॉब्लम बिल्कुल सही अल्लाह को प्यार से याद नहीं करता ये बड़ा प्रॉब्लम है इसके किधर किधर ठीक नहीं है प्रॉब्लम है ये नंबर टू ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब ना हो एक कराए चार बजे डांस छोटा चल रहा है आज मैं बनी लेट की आए से उधर का रूनी सीज रहा है किधर ये प्लाज किधर हाँ कौन लेट है स्टॉप करा था उसने बॉडी गेट से वो क्या होता है स्टॉप किसे कहते हैं आप इस हिस्से आलिया के खलीफा क्यों लेट आए हजरत जिदर पाक के नुमाइंदगी दोस्तों के सामने यही कर रही है स्टॉप है पकड़ता था लेट होगी बढ़ गई ये अच्छी तरह ये तमाम दोस्त इस बात को जहन में कि खुशहाली अच्छी चीज होती है मोहब्बत अपनी जगह कबूल है लेकिन जो ये कहे कि मैं अपने शेख से लेट आऊंगा फिर जो मर्जी करता रहे फैज उसे नहीं मिलेगा बेशक बेशक क्यों कि उसने अपने शेख को इंतजार करा है बिल्कुल क्या सुनने में से अब ये थी या रसूलल्लाह तशरीफ ले जाएं वहां पर जाएंगे पहुंचेंगे कहीं पर भी कोई ये साबित करने लगा लिहाजा लेट कमर्स को अच्छी तरह हाँ अगर कुछ कॉज है कुछ दूर है
सफर कर रहे हैं, सफर में बस को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, बस लाहौर से हमारे दोस्तों को बस्तर का ब्लॉक है या और कोई साफी किसी काम में मसरूफ है तो लेट हो गए और बात है। ये अच्छी तरह जहन में ये बात रखें ताकि इसकी रोशनी में चला। और बस लोगों के बारे में बाकायदा दिल पे लिखा होता है, वो बंदा क्यों लेट है, वो क्यों लेट है, वो क्यों लेट है, बाकायदा ऊपर से कहा जाता है। लताइफ क्या है? लताइफ इन कानों का नाम नहीं, बेशक जो इससे रिया की बात सुने, लताइफ उन कानों का नाम है जो लामका की बात सुने। लताइफ यहाँ की आंखों का नाम नहीं है, लताइफ वहां की आंखों का नाम है जो नूर मुस्तफा देख रहा है। सुभान, लताइफ सिर्फ जाहिर की खुशबू सूंघने का नाम नहीं, लताइफ रूहों की खुशबुओं तक रसाई का नाम है। लताइफ को लोगों ने अपना मिसल समझा ही नहीं ना, लताइफ को समझा ही कोशिश क्या करते हैं अगर दफ्तर में नहीं माहौल नहीं है ना सही, लेकिन महफिल में इमाम शरीफ से बड़ी बड़ी लगन बड़ा प्यार करता हूँ। हमारे उस्ताद इब्राहिम हज़रत अल्लामा सरदार साहब, आपकी आदत शरीफा थी कि जब कोई शागिर्द इमाम शरीफ बात करता था बार बार उसको देखते कहते इमाम शरीफ बहुत प्यारा, इमाम शरीफ बहुत प्यारा, इमाम शरीफ बहुत प्यारा। इस तरह कोशिश करेगा स्वाता में टूपी नहीं मिल पा अकेले, अगर कुछ मिलेगा उसी आका के दरसे मिले। तो बता रहा था कि इंसानी मसाइल की कितनी दो किस्म में टॉपिक छेड़ूंगा ठीक सब सर निकल गई ना माइक आगे कर ले थोड़ा सा आवाज ये बस ठीक है। असल में चार दिन से मुझे बुखार था जी, एक लगाना भी इमेज पूरी सी बन गई, इसका तरह जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरी एलर्जी की इस बॉडी की एलर्जी की एलर्जी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि घर में दीवा मुस्लिम मार पिटाई हो गई, मियाँ बीवी में खिलाफ पड़ गया, बच्चों में लड़ाई हो गई, दोस्तों में लड़ाई हो गई, और फिर दफ्तरों में रोज अफसर से अफसर मातहत से या मातहत अफसर से, स्कूल में है या कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है, तो वहाँ पर आपस में दोस्तों से जब गुजरें और फिर दुकान पर जाकर बैठे, दुकान का आते ही नहीं है जी, और माशाल्लाह हमने एक पक्का वजीफा रखा हुआ है गाहक आते हैं चले जाते हैं, काम होते होते रह जाते हैं, नतीजा निकलते निकलते मातूम हो जाता, ये वज़ाइफ है हमारे। जिस कायनात में हर लम्हा तख्लीक का अमल जारी है उसमें मौत का प्रोसेस किसने शुरू किया है? यानी खुदा के मुकाबले में तू असबाब पैदा करता जा रहा, मैं उड़ाता जा रहा, तू गाक लाता जा रहा, मैं कहूंगा नहीं आता, तू करम करता जा रहा, मैं कहूंगा नहीं आता। यानी खुदा के मुकाबले में एक तमवीद का निजाम रखा हुआ है हमने कि निगेशन का निजाम। तो इस तरह हमारी जिंदगी मसाइल से यूं कहना चाहिए कि एक नेटवर्क सा बन जाता है, यानी जिस तरह जंगला बनता है ना, इस तरह जंगला सा बन जाता है मसाइल दर मसाइल दर मसाइल दर मसाइल। इस्लाम को अगर इन डेप्थ मुताला किया जाए
आप हैरान होंगे कि इन सारे मसाइल काल इस्लाम तशरीह में रखे जिन्हें तुम मसला कहते हो ये मसला है नहीं, मसला सिर्फ एक है बातिल को बताना। यानी घर घर को खुदा करवाने से बाज, यानी जो अल्लाह नहीं है और अल्लाह कराना शुरू कर दे उसे ये राइट कभी ना लेना, ये मसला इस्लाम का बस और कोई मसला नहीं। ठीक, इस्लाम का ताबीर एक लफ्ज में ये है कि हक हक है और वो अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, ये इस्लाम का असल मसला है और इस्लाम इस मसले को हल करने के लिए है। क्रिश्चियनिटी इसी मसले का हल है, यहूदियत इसी मसले का हल था और दीगर अंबियाए किराम के जो तालीमात थी वो इसी मसले के हल। अगर जो उनका नाम अपने अपने दौर में जो रहा होगा लेकिन आज का हम सारे तालीमात का नाम इस्लाम है। ठीक हो गया, आप औलियाए इस्लाम ने अजीब चीजें बयान फरमाई और खुद सरकार अलैहिस्सलाम तस्लीम ने भी बयान फरमाई। औलिया की तालीमात मुसद्दका होती हैं हदीस पाक से और मुसद्दका होती हैं ज़ाती तजरिबात से। जब दोनों चैनल्स मिल जाएं और दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर लें, कॉरोबोरेट कर लें, तो इसका मतलब है कि नतीजा 100% सच्चा है। यानी हदीस भी वही कह रही है, तजुर्बा भी वही बात कर रहा है, मुशाहदा भी वही बात कर रहा है। तीनों चैनल्स हदीस, तजुर्बा, मुशाहदा, तीनों चीजें मिल जाए और कॉरोबोरेट कर दें किसी बात को तो उसके सही होने में कोई शक नहीं। इस्लाम की दुनिया में तीन ऐसे आइडियल कोड्स दिए गए हैं कि अगर आप उनको उनमें से किसी एक को आइसोलेट, लेट नहीं है, आराम से उनसे ये बैठा है, कोई ड्रामा नहीं है, वक्त तैयार करें। चल ठीक है, ये ड्रामा लगाने की ड्यूटी का खत्म होना जरूरी है। ऐसी फ्रीक्वेंसी पे बैठा हूं कि मैं इससे ज्यादा की बात करना नहीं चाहता, लेकिन याद रखो इस महफिल को ड्रामा ना समझना, वक्त पे आना सीखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल की कदर करना सीखो, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। वैसे इससे ज्यादा इस पर कमेंट इसलिए नहीं करता कि न जाने जुबान से क्या निकले और क्या हो जाए, क्योंकि इसमें कुरान भी आ रहा हूं, कुरान पढ़ते हुए बंदा अल्लाह के साथ होता है, कुरान पढ़ते हुए बंदा अगर कुरान दिल से बयान कर रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कुरान पढ़ते हुए अपने महबूबान के अपने मशाइख के साथ होता है। वो सारी रूहें और वो सारी जातें उसकी मदद कर रही है, लिहाजा इस महफल को कभी भी ड्रामा ना समझना। मैं बार बार कह रहा हूं वक्त पे आना सीखो और इन उलूम की कदर करो जो मैं करने कर रहा हूं। मैंने बड़े बड़े तुरंत बाज पीर कराए इन बातों पे कि जब देखा कि वो दीन नहीं, गजब है ये मुर्शिदा ने खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए, घटा कहिए मुस्लिमों की इज्जत को, अपनी इज्जत बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमें मानो तो हम उनमें से तो है नहीं, हमें ना मानो अल्लाह को मानो, उसके मानो उसके दस्तूरों मशहूर को मानो, समझ आ जाएगी तो मेरी भी पिघली बन जाएगी आपकी भी। मैं अपने दोस्तों को कर रहा हूँ बारगाह में पेश करने की पोजिशन में। तीन चीजें
اسلام ہے. جہاں تک میری ذاتی سمجھ اور شعور کا تعلق ہے, دنیا کے ہر مسئلے کے حل کے لیے دے دی. ایک سورہ فاتحہ سبحان اور ایک سورہ اخلاص اور ایک آیت الکرسی. اور مزے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں وظیفہ کون سا پڑھیں, مسلموں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, کیا وہ وظیفہ نہیں ہے؟ یہ لفظ وظیفہ حدیث مبارکہ کا لفظ نہیں ہے, یہ سارے اذکار ہیں, یہ ذکر ہے یا تلاوت ہے؟ کیوں جی اذکار ہوں, کہیں آپ کو وظیفہ کا لفظ حدیث پاک میں نظر آیا نہیں لگ رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں جسے ہم وظیفہ کہتے ہیں؟ یہ تو بعد میں کسی شے کی ریپیٹیشن کے لیے استعمال آنے والے لفظ استعمال کر لیا, ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو بار بار کرو. اب یہ تین چیزیں سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ آیت, یہ تین چیزیں آپ کو دے دی گئیں, اور اولیاء اللہ نے اپنے اوراد کے اندر اوراد کا لفظ بعد میں شامل کیا گیا آسانی کے لیے, یہ لفظ بھی اس کانٹیکس میں نہیں رہے. اگر کسی کو ملا تو جو بتا رہا ہے ایسے آپ کے مطالعے میں, لیکن میرے مطالعے میں اذکار کے سانس میں آیا اذکار, ٹھیک ہے, یہ اذکار ہے, ٹھیک ہے. بعد میں بزرگوں نے یہ الفاظ جو آسانی سے سمجھانے کے لیے پوری وکیبلری دے دی تاکہ سمجھنے والا بندہ اس کو سمجھ لے اس کے مطابق. اچھا تین چیزیں ہوگی, دو کو تو نماز میں رکھ لیا, لیکن نماز میں آیت الکرسی کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ ایک عجیب و غریب اس میں راز ہے, اور وہ یہ کہ آیت الکرسی وہ چیز ہے جو کسی بھی جڑی چیز کو سلامت چھوڑتی ہی نہیں. اللہ, اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہو اس میں آیت الکرسی دل سے نہ پڑھ رہا ہو, آیت الکرسی اسے اٹھا کے اس کے منہ پہ پڑھے, اللہ اسے نیست و نابود کر دے. مجھے کھانسی شدید ہے, سمجھا رہے یعنی میں کیا عرض کر اس بات کو سمجھ. اگر نماز پڑھنے والا نماز میں آیت الکرسی پڑھے گا اور نیک نیتی سے نہیں پڑھے گا, وہی آیت الکرسی اسی پہ پڑھ سکے گا. اگر کہیں ورد میں بیٹھ گیا آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہا ہے, پڑھے گا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اگر اللہ کے خاطر پڑھ رہا ہے تو اللہ سے ملا لے گا. سبحان اسلام کی یہ ڈیفینیشن کہ حق کے علاوہ ہر چیز کو نیست و نابود کر رہے ہو, اس کے لیے جو اسلام کو سب سے زیادہ پاورفل تجلی عطا کی گئی وہ آیت الکرسی. لہذا اولیاء کرام نے ایک فارمولا پسند کیا, آیت الکرسی شریف کے وہ پاورفل فرشتے کہ جو خدا کے امپیرین کو, امپیرین کہتے ہیں ہر شے آسمان, خدا کے امپیرین کو اٹھائے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹیز میں سے, ٹھیک ہے, وہ آیت الکرسی کے فرشتے. سبحان اللہ. لہذا جب ایک سالک, ایک عارف, ایک درویش آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے تو وہ ملائکہ اس کی مدد کرتا ہے.
और उनके साथ जो मलाइका के हजार अफवाज हैं वो उसकी मदद के लिए उतारे गए। यही वजह है कि आयतुल कुर्सी का आरिफ मरीज जरूर होगा। अल्लाह, लोग कहते हैं ना ये आमिल है वली नहीं है, पता है सर्टिफिकेट देने के समय इनको उन्होंने किसने मौका दिया है, हमारा हम ये मसला हल कर देते, कोशिश करने का हो जाए जानने वालों के लिए कि जी ये आलिम है, ये आमिल है वली नहीं है, जी ये वली है आमिल नहीं है। अगर वली और आमिल को यक जा देखना चाहो तो आयतुल कुर्सी के मुतसरिफ दरवेश करें, जो दरवेश आयतुल कुर्सी का मुतसरिफ होगा इंशाअल्लाह अल अजीज खुदा तक मिला देगा। और जो खुदा का बागी होगा अगर चाहेगा तो उसके तख्त सरा तक पहुंचा, ठीक। इस चीज को खुदा से मिलाने के अमल को तुम्हारा तेल या खा गया, और जब आले बातिल से मुकाबला हो जाए तो फिर इसको रिसाले हवातिफ कहते हैं कि दुनिया के मसाइल दुनिया के असबाब खत्म हो गए, आयतुल कुर्सी के फरिश्ते हो गए दोस्तों मेरे खुदा के आश को, ठीक मेरी मदद को आओ। और फिर फरिश्ते लपक के उसके गर्दन पे हाथ रखते हैं और उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा के छोड़ते हैं। हाजे खासगान हजरत पीर सिरम सब सरकार बोर्ड के मुतलाले मुतलाले मैंने आपको सुनाया होगा कि आप कोस्तान के बादशाह थे, मुरीदीन ने आपको स्टेट दे दी, हुकूमत दे दी, किसी दरवेश की इज्जत होना तो दुनियादारों को खाम खास से एक मौत पड़ जाती, बिल्कुल खाम। और इतना उसके खिलाफ बोलते हैं, इतना बोलते हैं उसके खिलाफ कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम ही यही है, ठीक है। तो हाजे खाजगान हजरत पीर जीरा साहब सरकारी बोर्ड में मुतलाले वाकई कुरान थे, तो किसी ने सरहद के गवर्नर से कहा कि जनाब ये आपके बागी हैं, आपकी सल्तनत का तख्ता उलट देंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और आपके खिलाफ बगावत होने वाली है, इसमें देख रहा हूँ। चुनाचे उस गवर्नर ने आपको पैगाम भेजे और आपको बुला लिया, आपको बुलाया गया तो यहां नसीहा गली में आपके पास आती है। मरी ने मरी शहर से लेकर के ना तो एबटाबाद का जितना ये ग्रीन एरिया गलियात जिन कहते हैं जी, बड़ा खूबसूरत ग्रीन एरिया, अंग्रेजों ने अपने सारे एक्टिविटीज का मकसद बनाया हुआ था, और आज भी अंग्रेजों के बड़े बड़े खूबसूरत चर्च वहां पर मौजूद, आज भी उनकी क्रिश्चियनिटी के मरकज वहां पर। गवर्नर ने आपको बुलाया और जो ही आप कमरे के अंदर दाखिल हुए, आप खुद लिखते हैं कि जो ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वो खड़ा हो गया फिराउन, और उसने क्या किया कि मुझे गालियां गुस्से में जमीन पोंके मारता और मेरे को इज्जत की दुनिया का रहने वाला इंसान जिसके दिल में हजारों लोग आज पहुंचो में अगर इस तरह कोई गालियां देना शुरू कर दे तो उसका क्या हाल है। लेकिन वो भी तो वसल मजहब थे ना, वो भी तो खुदा के आशिक थे, जब दुनिया को अपने अंजाम तक पहुंचना होता है तो किसी खुदा के आशिक से टक्कर बिल्कुल। तो उसने जब बेअदबी की, गुस्ताखी की, गालम गलौज किया, हजरत फरमाते हैं कि मुझे दरवाजा याद ना रहा दरवाजा किस तरह बनवाया है, तो मुझे उसने बड़ी बेहूदगी के साथ कहा गला गला मेरा इस्तेमाल फास।
कहते हैं मैं बाहर निकला, कहते हैं मैंने सीधा आपको बात कर दी। जहां पर के ये वाक्य हुआ उससे मोड़ा सिर्फ मशरक की तरफ था, अहमदाबाद मगरब की तरफ था। कहते हैं रात को मैंने एक अजीज के घर स्टे किया और उस रात मैंने इरसाले हवातिफ का अमल किया। कहते हैं वही सुबह अजीब और गरीब थी। क्या थी? कि वही गवर्नर, वही फिरौन वक्त सैर के लिए अपने कुत्ते को, जो हमेशा का दोस्त है, परमानेंट दोस्ती कुत्ते कुत्ते से ही है, पता नहीं क्या मुझे इसमें तहजीबी राज होगा, लेकिन हमारे उसको समझ नहीं आएगी इसमें तहजीब का कौन सा इतना बड़ा राज पोशीदा है। जानवर तो और भी है ना, बकरी भी है, हिरन भी है, मुर्गी भी है, बिल्लियां भी है, और चीजें भी है, लेकिन कुत्ते से इतनी दोस्ती अब कदरे मुश्तरक है। तो राज ट्रेस कर तो कुत्ते को लेकर के बाहर निकला, सामने पहाड़ी पर एक फूल नजर। अब फूल कार्य को प्यारा लगता है, फूल तोड़ने की ख्वाहिश की, आगे बढ़ा। कुत्ते ने कहा मैं तेरा मालिक से मोहब्बत कर। कुत्ता दौड़ गया और मोहब्बत करने के लिए मालिक के यूं पंजे मारे प्यार में, और मालिक 3-4 हजार फुट नीचे खाई में एक पत्थर पे गिरा, फिर दूसरे पर गिरा, फिर तीसरे पर गिरा, फिर वहां से चौथी चट्टान पे गिरा, फिर अगली चट्टान पे गिरा। गिरते गिरते जब नीचे पहुंचा तो एक हड्डियों का मुट्ठा बन चुका था और वही कुत्ता उसे खा रहा। बातिल को मिटाना ये आयत कुर्सी का। लिहाजा अगर आप देखें, लेकिन ये याद रखें कि आप सदाकत पे आना चाहिए। बिल्कुल, आपके दिल में अफ दरगुजर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस्लाम के लिए मुझसे बचाने मचाले इंसान को बचाने वाले मुझसे सारा जहान कह रहा है। मैं इस वक्त जो गुफ्तगु कर रहा हूं मैं अपने लेवल से कर रहा हूं, ना मैं सियासी हूं, ना मैं किसी सियासतदान का दोस्त हूं, और ना मेरा मौजूदा हालात में कोई रोल प्ले करने का इरादा है। लेकिन हर वो बात जो सच्ची होगी वो सिखाना मेरा मिशन। सुभान अल्लाह, ठीक है। खाओ तारो कादी साहब को सीखना पड़े, खा जरदारी साहब को सीखना पड़े, खा मियां नवाज शरीफ साहब को सीखना पड़े, या चौधरी निसार अली साहब को सीखना, वो सारे से हो। इल्म किसी के बाप की मिरास नहीं होती, रूहानियत पर किसी की मुनाकली नहीं होती, सियासत बिला शिरकत गैर किसी का अरीना नहीं होता। बिल्कुल सही। सीखो और सीखो और फिर कौम के सामने। सुभान, ये तो सारे देख रहे हैं और वो सारे भौंक भी रहे हैं, किधर कादरी ये कर गया, अपना ये कर गया, अपना ये कर गया, अपना ये कर गया। कौन सी कुवत थी जिसने तारुक कादरी के पूरे इतने बड़े सर्कल से एक गमला भी नहीं तोड़ने दिया? उस पावर के बारे में भी तो सोचो कि एक पता नहीं टूटा, ठीक है। कभी किसी ने इस बात पर गौर किया? जी हुकूमत की बसीरत है, हुकूमत की बसीरत गैस पर क्यों काम नहीं आती? हुकूमत की बसीरत बिजली पर क्यों काम नहीं आती? हुकूमत की बसीरत डिवेल्यूशन ऑफ मनी पर क्यों काम नहीं आती? कि जहां बसीरत काम आ गई और सारी कौम बच गई, और ये ना कहो कि कौम बच गई, कौम को मनसूबे कादरियत ने बचाया और इस्लाम के उन नूरानी साबतों ने बचाया और आइंदा भी बचाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस्लाम जिंदा रहने वाली चीज है और इंशाल्लाह ताला इसके जाबते अस्मा के कादरिया में आयतुल कुर्सी शामिल है, अस्मा के नक्शबंदिया में आयतुल कुर्सी शामिल है, अस्मा के चिश्तिया शरीफा में आयतुल कुर्सी शामिल है, अस्मा के सरवर्दिया शरीफा में आयतुल कुर्सी शामिल है। लिहाजा आइंदा भी इनकी दुर्गत बनाने के लिए जो दुनिया की किसी स्टेज पर बैठकर अपनी रावणत की वजह से अपनी गर्दन मोटी कर ले, उसको मैसेज दिया जा सकता है कि गलत फहमी से यह ना समझ लेना कि इनका खुदा कोई नहीं, खुदा भी मौजूद है, उसका इंपीरियम भी मौजूद है और उसके इंपीरियम के एंजल अप होल्डर्स हैं वो भी मौजूद है, कुरान की फोर्सेस भी मौजूद हैं। और आजकल हम एक बुक पर रिसर्च कर रहे हैं जो एक स्कॉलर ने लिखी है, जो जर्मन स्कॉलर है, मुझे असद जी ने बतौर गिफ्ट फूल ने उसको ट्रेस्ट किया किसने ट्रेस किया था फूल ने नहीं बल्कि ये किताब सॉरी मुकत्ताते कुरान वाली सईद ने सईद मलिक ने ट्रेस किया बर्तानिया में कि एक जर्मन स्कॉलर ने इस बात पर रिसर्च किया है कि पूरी दुनिया के तसर्रुफ का इल्म मुकत्ताते कुरान में मौजूद है और वह किताब 1923 में प्रिंट हुई, उसके बाद गायब कर दी गई कि इस्लाम की इतनी बड़ी फोर्स अगर सामने आ गई तो अहले बातिल का नाम निशान बढ़ जाएगा, तो दबा दी गई लेकिन अब फिर सामने आ गई। इस्लाम जिंदा बताया कर अब आयतुल कुर्सी बड़ा लंबा मौजूद है लेकिन चलें थोड़ी सी 20 मिनट जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और भी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बीच में बातें ऐसी हैं जो सारी उस तरह इस्तेमाल की जा सकती है। आयतुल कुर्सी एक ऐसी आयत मुबारक है कि जो सबसे लंबी है, सैयदतुल आयात है और हर आया मुबारका में कहीं कोई एक दफा जिक्र अल्लाह ताला का आया, कहीं दो दफा, कहीं तीन दफा, इसमें 17 दफा। मेरे वालिद ग्रामी मेरे छोटे भाई तारिक को ना कभी नसीहत फरमाते थे तो आयत कुर्सी कैसे ये पढ़ा, एक दिन से कहने लगे कि बेटे मेरे मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ाने के लिए, लालटेन उठाई हुई थी और वो बुझ गई तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ के चला चाहता हूँ। ये याद रखो कि जब रोशनी खत्म हो जाए नूरानियत ना रहे तारीखियाँ छा जाए आयतुल कुर्सी पढ़ो रोशनी रब की तरफ से आ जाए। आपने देखा होगा कि रात की तन्हाइयों में कभी कभी चराग जलते और चलते नजर आते हैं दूर दूर दो दो तीन तीन चार चार मील के फासले पर, वो बेसिकली आयत अल कुर्सी के आमिल दरवेश होते हैं या मलाइका या नूरानियत। अब इस आयत बार का अब हम एक थोड़ा सा काम करें सूरह का स्पेयर मेरे साथ आप साथ में रहेंगे तो मैं आपको एक नुकता समझाने की कोशिश करना बड़ा कीमती होता है। आज कुर्सी सारे चूंकि सबको याद है इसमें याद होना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें हम ये ट्रेस करते हैं कि सदरा मकाम पर कहाँ कहाँ हमला कर सकता है। अल्लाह एक, ला इलाहा इल्ला हू, हू वाहिद, अच्छा एक तो अल्लाह इसमें आजम के तौर पर बहरास्त आ गया, इतने बड़े स्कॉलर में वो बेनियाज है कुछ सब लोग गाड़ियां लाते आप भी लाते देखो ना फॉली साहब बैठे खाली मुंडी वाला सच है। अब अर्ज करो
ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی ان کو ڈر ساتھ رکھا تھا کہ آپ علمی شخصیت ہیں یہ بعض کا تو نکات جو ہے رہ جاتے ہیں وہ بڑا لاس ہوتا ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ ایک لا الہ الا ہو آ گیا جی یہ ضمیر میں ہے جس کو آپ پرو نام الحی عابد بھائی آپ کیا کر رہے ہیں اللہ لا الہ الا ہو دو جی اچھا اب الحی تین القیوم آگے لا تاخذہ پانچ سنا تم والا نو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم و لا یحیطون بشیء من علمہ بارہ السماوات والارض اب اس میں دیکھیں کہ اسماء ذکر الہی تین جہات سے آئے تین جہاد سے یعنی براہ راست اللہ کے نام اللہ الحی القیوم العلی العزیز یا اللہ یا حی یا قیوم یا علی یا عزیز ایک اپنا ایک
آیت الکرسی کی ساری فضیلتیں سمٹ کے اس اسماء پاک میں آ جاتے ہیں. اللہ یا اللہ یا اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ پاک کا ذکر ہو اور ہی کے ساتھ ہے. یعنی اللہ لا الہ الا ہو. اب دل میں رات کو تھام رکھ کر ہو 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 قرآن سے ثابت کرو اللہ کا ذکر کہاں پر ہو کہاں ہے. تو ہم پوچھتے ہیں تو کہاں ہے؟ سبحان اللہ عقل کا. بے شک کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ لا الہ الا اللہ؟ بے شمار مقامات پہ ہو ذکر ہے. ٹھیک ہے, لہذا ہو کا ذکر خالص قرآنی ہے. بے شک اور جب ضمیر پر غور کیا جائے, ضمیر پرونانس انگریزی, اس کی دو قسم ہیں, ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. ضمیر متصل وہ ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے, یعنی شاء یشاء. ٹھیک ہے, اس نے چاہا, یہ بات چاہی, یشاء وہ چاہتا. یا جو یہ کے الفاظ ہیں نا, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انگریزی والا یہ. تو یہ ضمیر اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے, اس کو ریلیٹڈ پروناؤنز کہیں گے, ریلیٹڈ پروناؤنز پروناؤنز ہوتے ہیں, مطلب اس کے ساتھ جوڑی ہوئی متصل ہے. جی اچھا, وہ اس بات کا گرامر کی اصطلاح کا آپس میں ترجمہ کرتے ہوئے بڑی آیت بچاتی ہے. اچھا, اور ضمائر منفصل وہ ہیں کہ جن کو جوڑا نہیں گیا بلکہ الگ رکھا گیا, مثلا ہوا ہوا ہوما, یا ہوما ہونا, انتما انتم, انتا انتما انتم, انتے انتما انتما, تو یہ ضمائر منفصلہ کے ساتھ بھی ہے اللہ کا ذکر, ضمائر متصلہ کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر, اور براہ راست اسماء پاک کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر, اس میں ذات کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر, اسماء صفات کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر. تینوں جہات سے جس طریقے سے ذکر الہی ممکن ہے وہ آیت الکرسی میں ہے. اس وقت جو مجھے بات جس پر فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پوری جمعہ کو آیت الکرسی کے ذکر کی ضرورت ہے, سبحان, تاکہ باطل خود بخود مٹتا جائے. سبحان, کیا بات, مٹنا باطل کی تقدیر ہے, ابھرنا حق کی تقدیر ہے. بے شک, ٹھیک ہے نا. لہٰذا آیت الکرسی کو اب جو بزرگوں نے اس پر ہم بڑی محنت کی اور 17 دفعہ آیت الکرسی, یہاں پر جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے مسائل والے, دینی اعتقادی روحانی مسائل والے, میں ان سب کو ایڈوائز کروں گا کہ اپنے اورات میں کم از کم 17 مرتبہ ڈیلی آیت الکرسی کو شامل کر دیجیے. اور ایسے دوست کہ جن کو بار بار عادت ہو گئی ہے, ہر محفل میں کہنا میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے, میرے مثال ابھی آپ نہیں, میرے مثال آپ نہیں ہوتے, گزشتہ 30 سال سے یہ رٹ لگی ہے, ان کو کہوں گا خدا کا خوف کرو اور ان معارف کو سمجھو, ان کو اپنے اوپر طاری کرو, خدا سے محبت اور پیار سیکھو. دو بڑے مسائل کا حل بھی آیت الکرسی کے اندر رکھے, ایک جن ایک طرف. جن کہتے ہیں کھینچنا, طرف کہتے ہیں دور کرنا. من ذل الذی یشفع ابھی کیا ہے عندہ, یشفع کا عین عندہ کا, یہ میں بیان کر چکا ہوں لیکن تو رہا اس لیے رہا ہوں جن جو نئے بچے بھی ہمارے نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, نئے سالکین بھی ہیں, ان کے عین جو ہے یہ کلمہ محبت ہے, یہ امیخ کا حرف ہے. ٹھیک ہے, امیزش کا حرف ہے.
मिक्स करने का अर्थ है, क्रिएशन का अर्थ है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं समझाने के लिए, क्रिएशन का अर्थ है और एक्सक्लूसिवली बिना शिरकत इदारे और अभी जबान के अल्फाबेट में शामिल हुआ है, किसी और जबान के अल्फाबेट में गिरफ्त शामिल नहीं किया शामिल। जो चीज आप अपनी जिंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं वो इन दो एनों के दरमियान रख के उसको विजुलाइज करें, जश्फाओ आइंदाओ एक बिजली की तरह से उसको बन जाए, क्रिएट हो जाए, खल्क हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, आपकी जिंदगी में आ जाए। इसलिए बता रहा हूं कि कल के किसी कि आयनों के दरमियान जो आ गया वो आयन अपना है, आयनों के दरमियान ले बस ठीक है। और यालमो मा बैन अयदीहिम, ये कलमा जहां निहायत मोहब्बत का पहला अर्थ है सुभान अल्लाह, तो मोहब्बत नक्स नहीं छोड़ती, मोहब्बत बातिल को नहीं छोड़ती सुभान अल्लाह। अगर कोई मोहब्बत के उस जद में आ गया और मुनाफकत करता पाया गया तो फिर उसको रगड़ा लगा नहीं, दोनों में तो ये ना समझिए कि हमारी क्लासिंग को ज्यादा पावरफुल है, कोई ये ना समझिए कि हमारे असलाह ही ज्यादा पावरफुल है, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है, उस मंदिर के अंदर में जिसने दुनिया के निजामों को और दुनिया के सिस्टम्स को उस वक्त जाकर यूरोप की यूनिवर्सिटीज में स्टडी किया और दुनिया के हर लेवल पर जाकर देखा, तो उसने ये कहा था, एक आम आदमी की स्टेटमेंट नहीं है, किसी नादान की स्टेटमेंट नहीं है, काफिर है तो शमशीर का लड़ता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेल की लड़ता है, हफ्त किश्वर जिससे हम तस्खीर हुए थे वो तफन था, हफ्त किश्वर जिससे हम तस्खीर हुए थे वो तफन, तू अगर समझे तो तेरे पास वो तूफान है, सुभान सुभान अल्लाह। ये किसने कहा? यूसुफ ने कहा कि पूरी कायनात को तुम तस्वीर कर सकते हो, बेते हो तूफान, तेरे का इत्तेवार को तूफान कहते हैं बंदूक को, हफ्त किस पर जिससे हम तस्वीर बेते हो तूफान, तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान, सुभान इस मुताले से लग रहा है, मैं तूफान क्या सलाह से ना ठीक किताब भी मुझे खुश है, मैं मुताला करने में मुझे बड़ी कीमती होती है, ऐसे अजीजों की बड़ी कदर करता हूँ। ये था आयत किसी का आदमी बड़े दिल में आएगी आयत किसी को मुझे, और अजीब बात है मैं चूंकि साथ साथ कभी कभी थोड़ा बहुत तब साथ सियासी हालात पर भी चलता रहता है ना, चूंकि अपने दोस्तों को तो रामायण देनी होती है, और फिर जहाँ पर देखा कि आल सुन्नत के किसी फॉर्म से हमारे हक में कोई आवाज़ उठ रही हो तो वहाँ पर उसका साथ भी देना होता है, तो उस हवाले से मैं कहा अपनी अपनी ओपिनियन भी जरा उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहें और दोस्तों को फीडबैक भी मिलती रहे, और उन लोगों को कि जो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब पर इंसार करके उसमें फिर दुनिया हमारे ही बाप की प्रॉपर्टी है सब, उनको भी जरा थोड़ा सा कुछ ना कुछ दिखाना बताना होता है। तो हजरत शेख मुजद्दद रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने माहर खान नाम था, तो उस वक्त के बादशाह जहांगीर ने जरा से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको पकड़ के कैद कर दिया, हजरत मुजद्दद पाक ने क्या फरमाया, छोड़ दो आकर ठीक है, अल्लाह के फजल करम से आले हक के यहाँ इस तरह के असबाब पाए जाते वरना आगे जिंदा ना रहता, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के।
इन्हीं राहों पर इन्हीं सच्चों के साथ इनके पीछे पीछे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिनके साथ आपकी बात सुनी है।